इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी विश्व बैंक की स्थापना? तो वर्ष 1946 में हुई थी। तो आंसर जो होगा इसका डी, वर्ष 1946 में। क्वेश्चन नंबर 2, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर जो होगा इसका बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 3, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो किस मॉडल पर आधारित है? तो वो हैरोड होमर पर आधारित है। तो आंसर जो होगा इसका बी, हैरोड होमर। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आंसर जो होगा इसका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? तो वो है पन्ना में। तो आंसर जो होगा इसका सी, पन्ना। क्वेश्चन नंबर 6, पैन कार्ड का संबंध किससे से है? तो पैन कार्ड संबंध किससे है? तो वो आयकर से है। तो आंसर जो होगा इसका डी, आयकर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो आंसर जो होगा इसका ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारकर्ता कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पता किसने लगाया था? तो वो न्यूटन ने लगाया था। तो आंसर जो होगा इसका है सी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी लॉर्ड मैकाले। तो आंसर जो होगा इसका बी, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो लुम्बिनी में हुआ था। तो आंसर जो होगा इसका सी, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है डेंगू ज्वर? तो वो विषाणु के कारण होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन सी। तो आंसर जो होगा इसका सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में? तो वो विटामिन के होता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 ईसा के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो वो किया था बहादुर शाह जफर ने। तो आंसर जो होगा इसका डी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के लागू होने के समय में इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। तो आंसर जो होगा इसका बी, 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 16, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किससे संबंधित है? ये किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो वो उन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो आंसर जो होगा इसका बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 17, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो आंसर जो होगा इसका सी, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है कावेरी नदी? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। तो आंसर जो होगा इसका बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। तो आंसर जो होगा इसका डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना? तो वो 1887 में की गई थी। तो आंसर जो होगा इसका बी, वर्ष 1887 में। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर के सभी अंगों का तत्परम बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है? तो कौन मदद करता है? तो वो रक्त करता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, रक्त। क्वेश्चन नंबर 22, अनुवांशिकी के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? तो वो डीएनए होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया?
तो गोवा पर अधिकार कब किया था पुर्तगालियों ने? तो वो 1510 ईसा में किया था। तो आंसर जो होगा इसका सी, 1510 ईसा में। क्वेश्चन नंबर 24, डूबते सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है डूबते हुए सूर्य का लाल रंग? तो वो परिकीर्णन के कारण होता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, परिकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के जो है मूल निवासी थे। तो आंसर जो होगा इसका ए, मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 27, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में जो है जालियांवाला बाग स्थित है। तो आंसर जो होगा इसका बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? तो निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो आंसर जो होगा इसका सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 29, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है पपीते में? तो विटामिन ए पाया जाता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 30, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की है। तो आंसर जो होगा इसका बी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 31, सीटी बीटी का सीधा संबंध किस विषय से है? तो सीटी बीटी का सीधा संबंध जो है वो परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध संबंधित समझौता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध संबंधित समझौता। क्वेश्चन नंबर 32, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो अमरकटक में नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल है। तो आंसर जो होगा इसका ए, अमरकटक। क्वेश्चन नंबर 33, एपिक सेंटर क्या है? तो एपिक सेंटर क्या है? तो भूकंप का केंद्र है। तो आंसर जो होगा इसका ए, भूकंप का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो कितना होता है? तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास किया गया? तो कब पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट? तो वर्ष 1935 में किया गया था। तो आंसर जो होगा इसका सी, वर्ष 1935 में।